नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे बॉलर फील्ड पंप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉलर फील्ड पंप का पावर प्लांट में फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करता है बॉलर फील्ड पंप। ओके, तो देखिए, वैसे तो बॉयलर का हार्ट बोला जाता है बीएफपी को। ओके, तो देखिए क्या क्या करता है। टू सप्लाई द फीड वाटर टू बॉयलर, टू कंडक्ट अ बॉयलर हाइड्रोलिक टेस्ट, टू सप्लाई द डी सुपर हीटिंग एंड टेम्परेचर वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस स्टीम लाइन एंड बॉयलर रेस्पेक्टिवली। क्या क्या करता है, बॉयलर को अपना फीड वाटर सप्लाई करता है, हाइड्रोलिक टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है इसका, और डी सुपर हीटिंग और टेम्परेचर के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वो भी ये सप्लाई करता है। ओके, तो इतने सारे काम होते हैं बीएफपी के पावर प्लांट में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एनपीएसएच इन बीएफपी। देखिए, एनपीएसएच क्या है, नेट पॉजिटिव सक्सेस रेट। जनरली जो हमारा एनपीएसएच होता है दो टाइप का होता है, एक एनपीएसएच अवेलेबल होता है एंड एक एनपीएसएच रिक्वायर्ड होता है, ठीक ना। तो जो एनपीएसएच अवेलेबल है वो हमेशा एनपीएसएच रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक ना। एनपीएसएच अवेलेबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनपीएसएच रिक्वायर्ड। ओके, देखिए, if bfp do not have required npsh then there will be a more chances for formation of cavitation। okay, to dekhiye kya bol raha hai, if bfp do not have required npsh then there will be more chances of formation of cavitation। agar maan lijiye hame required, agar jo hamara bfp usko required npsh nahi milega to usme cavitation hone ke zyada chances bante hain। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैलकुलेट एनपीएसएच ए, मतलब एनपीएसएच अवेलेबल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखिए, एनपीएसएच अवेलेबल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, एनपीएसएच ए इज इक्वल टू एच ए प्लस माइनस एच जेड माइनस एच एफ प्लस एच वी माइनस एच वी पी। तो देखते हैं क्या क्या है। देखिए, वेयर एच ए इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इन द सप्लाई टैंक। जो हमारे डिरेटर में वाटर रहता है उस वाटर के सर्फेस पे जितना प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर वो है हमारा एच ए। ओके, एंड एच जेड क्या है, एच जेड इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इन द सप्लाई टैंक एंड द सेंटर लाइन ऑफ द पंप। मतलब क्या हो गया, जो आपका एच जेड है वो आपका जो डिरेटर में जो लिक्विड है, ठीक है, डिरेटर बोल लीजिए, कोई भी टैंक बोल लीजिए, तो टैंक में जो लिक्विड है उसका जो लिक्विड का जो सर्फेस है, ठीक है ना, जो लिक्विड जो हम पंप में हमारा सक्शन लेने वाला उस लिक्विड का जो सरफेस है वहां से लेके और पंप के सेंटर लाइन तक का जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, ओके, वो हमारा एच जेड है। और एच एफ देखिए, एच एफ जो है फ्रिक्शनल लॉसेस है एंड एच वी जो है वेलोसिटी हेड एट द पंप सक्शन पोर्ट, वेलोसिटी हेड जितना। ओके, एच वी पी, एच वी पी क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द पंपिंग टेम्परेचर ऑफ द पंप, इट कुड बी लीड टू कैविटेशन ऑफ द पंप, ठीक ना। एचवीपी क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक ना। तो इस फॉर्मूले से आप एनपीएसएच अवेलेबल निकाल सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वोर्टेक्स ब्रेकर इन पंप। वोर्टेक्स ब्रेकर क्या होता है, ओके, तो देखिए, वोर्टेक्स ब्रेकर क्या होता है, वोर्टेक्स ब्रेकर इज अ डिवाइस अरेंजमेंट इन पंप टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ वोर्टेक्स व्हेन फ्लूइड एंटर इनटू पंप सक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ वोर्टेक्स वर्टेसेस कैन एंट्रेन वेपर इन द लिक्विड स्ट्रीम लीडिंग टू पुअर सेपरेशन इन प्रोसेस स्टेप सच एज डिस्टिलेशन और एक्सेसिव प्रेशर ड्रॉप और कॉजिंग कैविटेशन। ये क्या होता है, वोर्टेक्स ब्रेकर एक डिवाइस या अरेंजमेंट होता है पंप के सेक्शन पे, अगर आप देखेंगे तो, जो कि क्या करता है कि जो हमारा लिक्विड जब पंप में एंटर होता है तो उसमें वोर्टेक्स फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक ना। तो द फॉर्मेशन ऑफ वोर्टेसेस कैन एंट्रेन वेपर इन द लिक्विड। अगर मान लीजिए वोर्टेक्स फॉर्म होगा तो क्या होगा, आपका वेपर बनेगा सिस्टम के अंदर जिससे कि आपका कैविटेशन हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर वोर्टेक्सिंग इन पंप। वोर्टेक्सिंग क्या होता है, फिर वोर्टेक्स क्यों बनता है, ठीक ना। देखिए, वोर्टेक्स कैन अकर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर प्रेजेंट। तो क्या क्या रीजन है, लो लिक्विड लेवल, लिक्विड लेवल फॉलिंग ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकेंड, देयर इज अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस इन द लिक्विड, हाई आउटलेट वेलोसिटी इन पाइप लिविंग फिजल जनरली ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड नियर देयर वेपर पॉइंट, हाई सर्कुलेशन कॉज्ड बाय
सिमेट्रिकल इनलेट और आउटलेट कंडीशन, इनलेट पाइपिंग टू क्लोज टू द वॉल और बॉटम ऑफ द टैंक, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जो आपका लिक्विड लेवल होगा वो लो हो सकता है, लिक्विड लेवल फॉलिंग ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकेंड, देयर इज अ लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैसेस, जो डिजोल्व गैसेस हैं उनका कंसेंट्रेशन ज्यादा है लिक्विड में, हाई आउटलेट वेलोसिटी इन पाइप लीविंग वेसल, जनरली अगर आपका जो वेलोसिटी है मतलब वेसल, जैसे कि आपका डिरेटर जो पानी निकाल रहा है उसकी अगर वेलोसिटी ज्यादा है 3 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा, तो भी आपका वॉर्टेक्सिंग हो सकता है। जो लिक्विड है आपका जो पंप में एंटर कर रहा है उसका वो नियर द वेपर पॉइंट है, मतलब उसका वो उसका जो प्रेशर है वेपर प्रेशर के बराबर है, ठीक ना, तो भी वॉर्टेक्सिंग हो सकता है। हाई सर्कुलेशन कॉज बाई असिमेट्रिकल इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन, इनलेट पाइपिंग टू क्लोज टू द वॉल और बॉटम ऑफ द टैंक, ओके, ये सारे रीजन है वॉर्टेक्सिंग के। वॉट आर द प्रोटेक्शन इंटरलॉक गिवेन फॉर बीएफपी, ओके, तो ये देखते हैं प्रोटेक्शन इंटरलॉक क्या क्या दिए है हमारे बीएफपी में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, तो सबसे पहला है आपका जो डायरेक्टर लेवल है वो लो होगा तो उसपे भी आपका इंटरलॉक दिया रहता है, हाई बेयरिंग वाइब्रेशन है उसपे भी आपका इंटरलॉक दिया रहता है, हाई बेयरिंग टेम्परेचर, लो कूलिंग मोटर प्रेशर, मोर डिफरेंशियल प्रेशर और सक्शन स्ट्रेनर, हाई लोड, हाई बैलेंस लीक ऑफ प्रेशर, लो स्पीड इज लेस देन 40% ऑफ रेटेड स्पीड, ओके। तो क्या क्या इंटरलॉक दिया रहता है, देखिए आपका अगर डायरेक्टर लेवल कम है ठीक ना, उसपे भी आपका इंटरलॉक दिया रहेगा, बीएफपी का इंटरलॉक प्रोटेक्शन दिया रहेगा, हाई बियरिंग वाइब्रेशन उसपे भी आपका ट्रिप कर जाएगा, हाई बियरिंग टेम्परेचर उसपे भी आपका बीएफपी ट्रिप कर जाएगा, और जो आपका कूलिंग वाटर आता है दैट मीन्स की एसीडब्ल्यू का पानी आता है जो, उसका भी अगर प्रेशर कम हुआ तो भी आपका बीएफपी ट्रिप कर जाएगा। मोर डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ सक्शन स्ट्रेनर, मान लीजिए टीपी बढ़ेगा आपका सक्शन स्ट्रेनर का तो भी आपका बीएफपी ट्रिप करेगा, हाई लोड पे ट्रिप कर जाएगा, हाई बैलेंस लीक ऑफ प्रेशर होगा उसपे भी ट्रिप कर जाएगा और लो स्पीड पे भी ट्रिप कर जाएगा, ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राइट डाउन द बीएफपी स्टार्ट परमिसिव इंटरलॉक, क्या बोल रहा है कि जो हम बीएफपी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए स्टार्ट परमिसिव क्या क्या होता है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भाई बीएफपी का स्टार्ट परमिसिव क्या क्या है। देखिए, स्टार्ट परमिसिव क्या क्या है, आपका जो डायरेक्टर लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए, बेयरिंग टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, बेयरिंग वाइब्रेशन नॉर्मल होना चाहिए, कूलिंग वाटर प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, मोटर बेयरिंग टेम्परेचर वाइंडिंग टेम्परेचर जो दोनों नॉर्मल होना चाहिए, डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होना चाहिए, सक्शन वाल्व ओपन होना चाहिए, सक्शन प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, डिफरेंशियल प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, दैट मीन्स की आपका जो स्टेनर है उसका डीपी नॉर्मल होना चाहिए, एआरसी वाल्व ओपन कंडीशन में, खैर ये तो आपका ऑटो में ही रहता है, ओके। तो इतने सारे आपके स्टार्ट पर बीसी क्या क्या, डायरेक्टर लेवल नॉर्मल, बेयरिंग टेम्परेचर नॉर्मल, बेयरिंग वाइब्रेशन नॉर्मल, कूलिंग वाटर का जो प्रेशर है वो नॉर्मल होना चाहिए, जो हमारा मोटर है मोटर का बेयरिंग टेम्परेचर वाइंडिंग टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होना चाहिए, सक्शन वाल्व ओपन होना चाहिए, आपका सक्शन प्रेशर जो वो नॉर्मल होना चाहिए, एंड डिफरेंशियल प्रेशर डीपी अक्रॉस स्ट्रेनर वो आपका नॉर्मल होना चाहिए और एआरसी वाल्व ओपन होना चाहिए, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डू यू स्टार्ट द बीएफपी, दैट मींस कि बीएफपी का स्टार्ट प्रोसीजर क्या है, ओके। तो देखते हैं क्या क्या है हमारा स्टार्ट प्रोसीजर। देखिए, इंश्योर ऑल द स्टार्ट परमिसिव और हेल्दी, ठीक है, हमें क्या इंश्योर करने के, जैसे हमने पढ़ा इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग परमिसिव क्या क्या है, तो वो सारे परमिसिव हेल्दी होने चाहिए, इंश्योर नो मेंटेनेंस एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन बीएफपी एंड पंप इज रेडी टू स्टार्ट विद ऑल रिस्पेक्ट, में इंश्योर कर लेना है कि बीएफपी पे कोई भी मेंटेनेंस एक्टिविटी नहीं चल रही हो और पंप हमारा स्टार्ट करने ऑल रिस्पेक्ट में स्टार्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए, ओके। स्टार्ट द पंप फ्रॉम डीसीएस बाय गिविंग, मतलब 80% से ज्यादा कमांड पे हमें बीएफडी को स्टार्ट करने का कमांड देना है, ओके। ऑब्जर्व द बेयरिंग टेम्परेचर वाइब्रेशन एंड स्पीड, ओके, हमें उसके बाद स्टार्ट करने में क्या करना है, बेयरिंग टेम्परेचर वाइब्रेशन एंड रैंप रेट को नोटिस डाउन करना है, मतलब ऑब्जर्व करना है। इंश्योर पंप हैज रीच्ड इट्स 50% स्पीड विद इन 10 to 15 सेकेंड, हमें ये इंश्योर कर लेना कि जो पंप है अपने 50% स्पीड पे आ जाना चाहिए विद इन 10 to 15 सेकेंड में। इफ ऑल पैरामीटर डिस्चार्ज प्रेशर बेयरिंग टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन मोटर करंट वाइंडिंग टेम्परेचर इटीसी आर नॉर्मल, उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि जितने भी हमारे पैरामीटर लाइक डिस्चार्ज प्रेशर हो गया, बेयरिंग टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, मोटर हो गया, ठीक ना, करंट का सॉरी मोटर का करंट हो गया, वाइंडिंग टेम्परेचर हो गया, ये सब नॉर्मल होना चाहिए,
उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्चार्ज बॉल स्लोली धीरे धीरे ओपन करना है। आफ्टर 100% ओपनिंग ऑफ डिस्चार्ज बॉल राइज द स्पीड एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, जैसे ही हमारा 100% ओपनिंग हो जाता है डिस्चार्ज बॉल को, उसके बाद हमें धीरे धीरे आपको जो उसका स्पीड है व्यक्ति का अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाना है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, व्हाई इट इज नॉट अलाउड टू रन द बीएफपी एट स्पीड लेस देन 50% ऑफ रेटेड स्पीड। क्या बोल रहा है कि जो हमारा बीएफपी है, अपने पता होगा आपको कि जो बीएफपी को हम उसकी जो रेट क्या बोलते हैं, स्पीड जो है बीएफपी का जो स्पीड है उसको उसके रेटेड स्पीड से 50% कम पे चलाने के लिए अलाउ क्यों नहीं करता है। ओके, देखिए, फॉर जनरल बीयरिंग बीएफपी एट स्पीड ग्रेटर देन 50% ऑफ ऑयल स्प्लैश रिंग विल नॉट फ्लैश ऑयल इन बियरिंग लीडिंग टू डैमेज टू द बियरिंग इज ड्यू टू लो लुब्रिकेशन ऑयल। ओके, अगर आपका क्या होगा जनरल बियरिंग में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका जो स्पीड है 50% से कम है, 50% जो रेटेड स्पीड से 50% से कम है, तो क्या होगा कि जो ऑयल स्प्लैश होता है रिंग्स में वो स्प्लैश नहीं होगा, ठीक ना, बियरिंग में, ठीक ना, तो वो नहीं होगा। दैट मीन्स कि क्या होगा आपका, अगर वो रिंग बियरिंग का जो रिंग है उसमें ऑयल नहीं जाएगा तो क्या होगा आपका बियरिंग जो है डैमेज जाएगा ड्यू टू लो लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक ना। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो रिकमेंड नहीं करता है कि आप जो रेटेड स्पीड है उसे 50% से कम स्पीड में आप बीएफपी को ऑपरेट करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ बीएफपी रन इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर बीएफपी रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होता है तो क्या होगा, इफ पंप रन इन रिवर्स डायरेक्शन फॉर मोर देन 5 सेकंड देयर विल बी द मोर चांस फॉर पंप सीज। अगर आपका मान लीजिए पंप जो है 5 सेकंड से ज्यादा भी रिवर्स डायरेक्शन में चलता है तो आपका जो पंप है वो सीज हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टॉप द बीएफपी, आप बीएफपी को कैसे बंद करें। रिड्यूस द पंप स्पीड स्लोली अप टू 60% ऑफ रेटेड। क्या करना है आपको कि पंप को धीरे धीरे आपको स्लोली स्लोली 60% रेटेड स्पीड पे लेके आना है, क्लोज द डिस्चार्ज और शट डाउन द पंप। बट अभी क्या है, अभी के टाइम में ऐसा नहीं होता है, अभी बीएफपी है तो आप डायरेक्टली बंद कर सकते हैं, ठीक है, डीसी से शॉक मार के सीधे बंद कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम हेड फॉर बीएफपी ऑपरेशन। जो मिनिमम हेड कितना होता है बीएफपी ऑपरेशन के लिए, तो शुड नॉट बी लेस देन 10% ऑफ द रेटेड हेड। क्या है, शुड नॉट बी लेस देन 10% ऑफ इट्स रेटेड हेड एक्सेप्ट इन स्टार्टअप एंड शटडाउन कंडीशन। ओके, इसका जो रेटेड मतलब जो रेटेड हेड है मतलब जो पंप की पंप का हेड है उसका 10% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना, जो उसका हेड है मिनिमम हेड है वो उसका रेटेड हेड से 10% से कम नहीं होना चाहिए। What will happen if the pump is started and stopped with discharge valve open condition? क्या होगा कि अब आपको क्या होगा जब आप पंप को उसका डिस्चार्ज वाल्व ओपन करके स्टार्ट करेंगे। देखिए, पंप जो है ट्रिप हो सकता है ड्यू टू सडन लोड, सडन ओवरलोड। क्या होगा, पंप जो है ट्रिप हो जाएगा ड्यू टू सडन ओवरलोड। क्या है, जब आप बीएफपी का डिस्चार्ज वाल्व ओपन करके चलाएंगे तो मोटर पे लोड ज्यादा पड़ेगा जिससे वो ट्रिप हो सकता है। अलाइनमेंट में गेट डिस्टर्ब, अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, पंप का साफ कपलिंग डैमेज हो सकता है, मे हार्म फॉर बियरिंग ऑफ पंप एंड मोटर। जो बियरिंग का पंप का बियरिंग है एंड मोटर का बियरिंग है वो डैमेज हो सकता है। पाइपिंग सपोर्ट में गेट डिस्टर्बेड है, पंप फाउंडेशन फास्टनर में गेट लूज, सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू स्टार्ट एंड स्टॉप पंप डिस्चार्ज और क्लोज। ओके, देखिए क्या होता है कि जब आप बीएफपी स्टार्ट करते हैं, अगर मान लीजिए उस कंडीशन में डिस्चार्ज वाल्व खोल देते हैं तो क्या होगा, देखिए जो आपका लाइन है, लाइन वो क्या होता है कि खाली रहती है, ठीक ना, तो सडन आपके लाइन पे लोड पड़ेगा और मतलब लाइन को भरने के लिए आपका जो मतलब मोटर है, ठीक है, पंप है, वो पंप ज्यादा ज्यादा डिस्चार्ज करना चाहेगा वाटर, ठीक ना, और जैसे ज्यादा डिस्चार्ज करना चाहेगा ज्यादा लोड पे चलने की कोशिश करेगा तो आपके जो मोटर है पंप का जो मोटर है वो ओवरलोड होगा, ठीक है, ओवरलोड होगा तो क्या ट्रिप हो जाएगा, ठीक ना। ये सारे रीजन है इसके लिए हमें कभी जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंड नहीं करता है कि आप जो डिस्चार्ज वाल्व है उसको ओपन करके बीएफपी स्टार्ट करेंगे। ओके, वैसे आजकल क्या रहता है कि आपका दो सब ऑटो में ही रहता है, आप जैसे ही बीएफपी स्टार्ट करेंगे तो आपका डिस्चार्ज वाल्व क्लोज ही रहेगा। ओके, और आपका पहले वो एआरसी ओपन होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आप वो करते जाएंगे तो आपका डिस्चार्ज वाल्व मतलब ऑटो में ओपन हो जाएगा और एआरसी बंद हो जाएगा। ओके, What are the reason for pump seize? अगला क्वेश्चन है कि pump seize होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, no suction और less liquid suction। मान लीजिए जो पहला रीजन है कि
पंप चला दिए लेकिन सक्शन के लिए कोई वाटर नहीं है वहां पे, ठीक ना। ऑपरेटिंग पंप कंटिन्यूअसली एट लेस एनपीएसएच, आप पंप को कंटिन्यू ऑपरेट कर रहे हैं बट जो हमें एनपीएसएच चाहिए उस एनपीएसएच से कम है वहां पे। एनपीएसएच जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड से जो हेड चाहिए उस हेड से कम हेड अवेलेबल है वहां पे, और आप उस पर कंटिन्यू पंप को चला रहे हैं तो क्या होगा, आपका पंप सीज हो जाएगा, ठीक ना। रिवर्स डायरेक्शन रोटेशन, अगर आपका पंप का रिवर्स डायरेक्शन रोटेशन होता है तो भी आपका पंप सीज हो जाएगा। डैमेज स्ट्रेनर, अगर आपका स्ट्रेनर डैमेज है तो भी आपके पंप सीज होने के चांसेस होते हैं। फॉरन मटेरियल इम्पेलर, अगर आपका फॉरन मटेरियल आता है दैट मींस कि मान लीजिए फॉरन मटेरियल तभी आएगा जब आपका स्ट्रेनर डैमेज हो गया हो, तो भी इम्पेलर को डैमेज करेगा और आपका सीज हो सकता है। अनइवन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ प्रोपेलर, अगर जो आपका एक्सपेंशन होता है पीएफटी के इंटरनल का वो अगर अनइवन है तो भी आपका पंप सीज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर पीएफटी शाफ्ट रन आउट, तो पीएफटी का शाफ्ट रन आउट होता है उसके लिए एक्सेप्टेबल वैल्यू कितनी होती है, तो इट्स अराउंड 0.03 mm, ठीक ना। मैक्सिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम अगर 0.05 mm तो भी एक्सेप्टेबल है, इसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके अगला क्वेश्चन है, व्हेन शुड वन कैरी आउट अलाइनमेंट ऑन पीएफटी, हमें मतलब कि जो पीएफटी पे अलाइनमेंट करना है वो कब करेंगे, ठीक है, किस कंडीशन में करेंगे। अलाइनमेंट ऑन पीएफटी शैल बी डन व्हेन द टेंपरेचर ऑफ द पंप इज लेस देन 50 डिग्री सी और इन एटमोस्फेरिक टेंपरेचर, हमें तब अलाइनमेंट करना चाहिए जब पंप का टेम्परेचर जो है लेस देन 50 डिग्री सी हो या फिर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे हो। ओके क्योंकि अगर जैसे जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आपको पता हो अलाइनमेंट के बारे में, तो अगर आप मान लीजिए कि सुबह आपने अलाइनमेंट कर दिया, ठीक ना, लेकिन उसी अलाइनमेंट को आप जाके दोपहर में चेक करेंगे तो क्या होगा कि आपका अलाइनमेंट जो है मतलब थोड़ा बहुत जो तो रीडिंग है वो डिफरेंस हो जाएगी, ठीक ना, टेम्परेचर से वेरी करता है। ओके नेक्स्ट है, व्हाई डू यू यूज टू डायल गेज फॉर एक्सियल अलाइनमेंट ऑफ पीएफटी, एक्सियल अलाइनमेंट जो पीएफपी का हम करते हैं उसके लिए हम दो डायल गेज क्यों यूज करते हैं। देखिए पीएफपी हैज मोर एक्सियल फ्लो दैट इज 8 to 9 mm विदाउट बियरिंग एंड सील एंड 0.8 to 1 mm विद बियरिंग एंड सील, सो इन ऑर्डर टू गेट एक्यूरेट रीडिंग टू डायल गेज आई यूज फॉर एंगुलर अलाइनमेंट एंड वन डायल गेज फॉर पैरेलल अलाइनमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बीएफपी में जो है एक्सियल फ्लूड है वो ज्यादा होता है, कितना होता है 8 to 9 mm होता है विदाउट बियरिंग एंड सील एंड 0.8 to 1 mm विद बियरिंग एंड सील, सो इन ऑर्डर टू गेट एक्यूरेट रीडिंग टू डायल गेज आर यूज फॉर एंगुलर अलाइनमेंट एंड वन गेज फॉर पैरेलल अलाइनमेंट, ठीक है। तो जनरली आज हर जगह अगर आप देखेंगे तो जो फैन मैन का भी अलाइनमेंट होता है उसमें भी हम नॉर्मली दो आपका गेज यूज करते हैं, ठीक ना, एक्सियल अलाइनमेंट के लिए। तो बट यहाँ भी रीजन क्या बोल रहा है कि इसमें जो आपका एक्सियल फ्लोट होता है बीएफपी में वो ज्यादा होता है, विदाउट अ बियरिंग एंड सील देखेंगे तो 8 to 9 mm होता है, और विद बियरिंग एंड सील देखेंगे तो 0.8 to 1 mm होता है, ठीक। सो इन ऑर्डर टू गेट एक्यूरेट रीडिंग के लिए हम दो का डायल गेज यूज कर लेते हैं। ओके और नेक्स्ट है, व्हाट आर द शटडाउन प्रिजर्वेशन मेथड फॉर बीएफपी, अगर मान लीजिए हमारा जो बीएफपी है उसको लॉन्ग टर्म के लिए शटडाउन में रखना है, उसके लिए जो प्रिजर्वेशन करेंगे वो क्या क्या उसमें एक्टिविटी करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, हमें प्रेशर को पंप को डिप्रेशराइज कर देना है, सारे जो वाटर है पंप से वो ड्रेन कर देना है, फिल द पंप विथ 1:2 और 1:1 ग्लाइकोल वाटर मिक्सचर, पंप को हमें फिल करना है ग्लाइकोल वाटर मिक्सचर के साथ, रेशियो जो आपका रहेगा 1:2 और 1:1। ओके रोटेट द पंप शाफ्ट ट्वाइस इन अ वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार हमें जो पंप का शाफ्ट है उसको रोटेट करना है। ओके ये हमारा प्रिजर्वेशन मेथड है बीएफपी का। व्हाट इज द रिकमेंडेड बेयरिंग टेम्परेचर फॉर बीएफपी, बीएफपी का जो बेयरिंग टेम्परेचर है रिकमेंडेड कितना है, कितना हम उसको रख सकते हैं, कितना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, या फिर कितना कितने तक हमारा टेम्परेचर जाने तक हमारा बीएफपी ट्रिप नहीं करेगा, तो इट शुड बी लेस देन 75 मैक्सिमम 90 डिग्री से, ठीक ना। मतलब हमें ये इंश्योर करना है कि जो उसका बेरिंग टेम्परेचर कम से कम 75 डिग्री सी और मैक्सिमम 90 हो, 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके व्हाट आर द रिकमेंडेड बेरिंग वाइब्रेशन फॉर पीएफपी, रिकमेंडेड बेरिंग वाइब्रेशन कितना होना चाहिए पीएफपी का, इट शुड बी लेस देन 3 mm/s मैक्सिमम 5 mm/s, ठीक ना, कितना लेस देन 3 mm/s एंड मैक्सिमम कितना होता है 5 mm/s। व्हाट इज अलाउबल लीकेज ड्रॉप फॉर बीएफपी मैकेनिकल सील, 15 ड्रॉप पर मिनट, जो हमारा बीएफपी का मैकेनिकल सील होता है वहां से अब देखेंगे लीकेज होते रहता है, ठीक ना, तो वो कितना अलाउ करता है, तो 15 ड्रॉप पर मिनट, ठीक ना। व्हाट शुड बी अलाउबल द
अलाउबल द डीपी अक्रॉस स्ट्रेनर, जो हमारा डीपी स्ट्रेनर होता है उसके अक्रॉस डीपी हम कितना मेंटेन करते हैं, तो 0.1 टू 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस कि 1000 टू 3000 एमएम ऑफ वाटर बॉल, ठीक है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा, प्रॉपर सक्शन नहीं मिलेगा और पंप के सीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या है, हमें उसके बाद जैसे ही हमारा डीपी बढ़ेगा तो हमें क्या होगा, शोल्डर को क्लीन करना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिल्टर मेश साइज फॉर बीएफपी ऑयल रिप्लेसमेंट। तो इसके लिए मेश साइज कितना होना चाहिए, 30 माइक्रोमीटर, ठीक ना। व्हाट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी दैट यू आर गोइंग टू कैरी आउट ऑन बीएफपी, कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी आप बीएफपी पे कर सकते हैं, ठीक ना। वो देखिए, पंप की क्लीनिंग हो गया, ऑयल लेवल चेकिंग एंड टॉप अप इफ रिक्वायर्ड, अलाइनमेंट करेक्शन, सक्शन स्ट्रेनर क्लीनिंग, कूलिंग वाटर लाइन फ्लशिंग, फाउंडेशन बोल्ट टाइटनेस चेकिंग। ओके, ये सारे एक्टिविटी आप कर सकते हैं कब, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। ओके, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल इंपेलर एंड बियर रिंग क्लियरेंस इन बीएफपी, इंपेलर एंड जो बियर रिंग होता है उसके क्लियरेंस कितना हम अलाउ करते हैं, तो 0.1 टू 0.3 एमएम मैक्सिमम, कितना, 0.1 टू 0.3 एमएम मैक्सिमम। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्राइम मूवर ड्राइव यूज फॉर बीएफपी, दैट मींस कौन कौन से प्राइम मूवर या फिर ड्राइव यूज करते हैं बीएफपी को चलाने के लिए। तो देखिए, एक एलटी ड्राइव होता है 415 वोल्ट का, एक्सटी ड्राइव होता है 11 केवी का, टर्बो ड्रिवन स्टीम ड्रिवन होता है आपका। तो जैसे कि देखिए, एलटी ड्राइव होता है छोटे यूनिट में, आप देखेंगे वहां पे होगा। एसटी ड्राइव जो हमारा बड़े बड़े प्लांट होते हैं लाइक 660 मेगावाट, वहां पे आप देखेंगे तो एसटी ड्राइव होता है 11 केवी से चलता है और वहां पे टर्बो ड्रिवन भी होता है। दैट मींस कि हम वहां छोटी सी स्टीम टर्बाइन लगा देते हैं, जो स्टीम टर्बाइन की हेल्प से हम बीएफपी को रोटेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑक्सिलरी एसोसिएटेड विद बीएफपी। देखिए, कौन कौन से ऑक्सिलरी एसोसिएटेड है बीएफपी से, कूलिंग वाटर पंप, एयरलाइन लूप वाल सिस्टम, एआरसी वाल्व, मैकेनिकल सील फ्लशिंग सिस्टम एंड बैलेंस लीक ऑफ लाइन एंड इट्स पीआरडी। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस पाइपलाइन कनेक्टेड टू द बीएफपी, सक्शन पाइपलाइन, डिस्चार्ज पाइपलाइन, बेयरिंग कूलिंग वाटर लाइन, जैकेट कूलिंग वाटर लाइन, मैकेनिकल सील फ्लशिंग लाइन, ARC लाइन, मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन, इंपल्स लाइन फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर, बैलेंस लीक ऑफ प्रेशर एंड बैलेंस लीक ऑफ लाइन। तो कौन कौन सी लाइन आपकी बीएफपी में कनेक्ट होती है, इस पे मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लाइव दिखाया था कौन बीएफपी पे कौन कौन सी लाइन कनेक्ट है, ठीक ना। तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक ना, कौन कौन सी लाइन होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ सक्शन स्ट्रेनर ऑफ बीएफपी, सक्शन स्ट्रेनर जो होता है बीएफपी का उसका साइज कितना होता है। तो इट इज जनरली 30 टू 40 मेश, दैट इज 30 और 40 होल ओपनिंग इन वन लाइनर इंच ऑफ स्ट्रेनर। ओके, और एएसएस 30 वायर मेश इज जनरली रैप्ड ऑन एसएस मेश हैविंग होल ओपनिंग इज अराउंड 3 टू 4 एमएम। ओके, तो कितना साइज होता है, 30 टू 40 मेश। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ बैलेंस लीक ऑफ लाइन। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा बैलेंस लीक ऑफ लाइन होता है उसका ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है, इट इज जस्ट 0.5 टू 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट मींस कि क्या बोल रहा है कि 0.5 टू 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन पंप सक्शन प्रेशर, जितना आपका पंप का सक्शन प्रेशर उससे 0.5 या फिर 1 केजी ज्यादा होगा, ठीक है ना, बैलेंस लीक ऑफ लाइन का प्रेशर। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।